नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। तुम सोते रहो घरों में महफूज, इसीलिए हम खड़े हैं। कोई देख न ले भारत माँ की तरफ, बस इसीलिए अड़े हैं। कारगिल ये महज किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि भारत के वीर सपूतों के साहस की एक ऐसी गाथा है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक ऐसी जगह जहाँ हजारों वीर जवानों ने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। वजह एक ही थी कि देश की शान में कोई गुस्ताखी ना कर दे। एक फौजी दुश्मन की गोलियों की मार को तो झेल सकता है, लेकिन सिस्टम की मार उसे पल पल मारती है। आपकी स्क्रीन पर जो ये इंसान झूठे बर्तन साफ करता दिख रहा है, ये उन बहादुर योद्धाओं में शामिल था जिन्होंने अपने साहस और हिम्मत से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सतवीर नाम के इस वीर जवान की दर्द भरी दास्तान से पहले इसके पराक्रम के किस्से भी आपको बता दें। 13 जून 1999 की सुबह थी। कारगिल की तोलोलिंग पहाड़ी पर पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ी घात लगाकर बैठे थी। केवल 15 मीटर की दूरी से आमना सामना हुआ। 9 सैनिकों की टुकड़ी की अगुवाई सतवीर ही कर रहे थे। सतवीर ने हैंड ग्रेनेड फेंका। 6 सेकंड बाद जैसे ही ग्रेनेड फटा, दुश्मन के 7 सैनिक मारे गए। उसी दरमियान सतवीर को भी एक गोली उनके पैर की एड़ी में लगी, जो आज भी उनके पैर में फंसी हुई है। 17 घंटों की जद्दोजहद के बाद जैसे तैसे उनको एयरबस से श्रीनगर लाया गया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए अफसरों, सैनिकों की विधवाओं, घायल हुए अफसरों और सैनिकों के लिए उस समय सरकार ने पेट्रोल पंप और खेती की जमीन मुहैया करवाने की घोषणा की थी। बाकी जवानों की तरह सतबीर को भी पेट्रोल पंप आवंटित हुआ, लेकिन दुश्मन को जंग के मैदान में धूल चटाने वाला ये जवान भ्रष्ट सिस्टम के सामने हार गया। जीवन चलाने के लिए करीब 5 बीघा जमीन मिली, लेकिन 3 साल बाद वो भी छीन ली गई। अब बस जिंदगी जीने का सहारा थोड़ी बहुत पेंशन और ये जूस की दुकान है। कारगिल की लड़ाई में सतबीर दिल्ली से एकमात्र सिपाही थे। भारत 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। बेशक अपनी बहादुरी से लड़ते हुए इस वीर जवान ने कारगिल को फतेह करने में अपना योगदान दिया हो, मगर हक के लिए सिस्टम से लड़ते हुए हार गया। इंसाफ दिलाने की फाइल 19 साल से पीएम, राष्ट्रपति और मंत्रालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम के चलते इस वीर जवान को न तो कोई मदद मिली और न ही कोई सम्मान।